चल भाग। अरे रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मम्मी, अच्छा आ गई तुम। अच्छा अंजलि कहाँ पे है? वो इतने देर से तैयार भी नहीं हुई अभी तक। हे भगवान, कितना मेकअप करेगी वो, कितना टाइम लेगी पता नहीं। हाँ मैं आ गई आ गई। ये कितने वो मोबाइल है तुम्हें पता है? ये 500 मोबाइल है। क्यों मम्मी? उस जैसे शैतान बच्चे होंगे तो क्या होगा, वो बच्चे मुझे एक धक्का देकर एक सॉरी भी नहीं बोले। उतने बदमाश है वो। इन्हें तो जू में डालना चाहिए। अरे वो देखो, ये तो गबाल हो गया। ऐसा नजारा तो कभी कभी देखने मिलता है। ओ हीरो, क्या देख रहे हो? निकलो निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। मेरे जाने के बाद तो तुम सोने ही वाले हो। दीदी मैं तुमसे एक बात पूछूं, आपका और प्रेम भैया का लव मैरिज है ना? हट, तुझे और काम नहीं है क्या इसके अलावा? मम्मी अपने काम से मतलब रखो ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ये सिग्नल नहीं मिल रहा। हेलो हेलो। हाँ दीदी बोलो ना, लव है ना? बोलो ना दीदी। अगर लव मैरिज पूछ रहे तो हाँ वो सच बात है। पहले पहले आप कहाँ पे मिले? मैंने पोस्ट ग्रेजुएट तो श्री शंकरा कॉलेज में किया था, तभी मैंने उसे सबसे पहले देखा। उसके बाद हमारी नजदीक या कॉलेज इलेक्शन टाइम पे बड़ा था, तभी वो आर्ट्स क्लब सेक्रेटरी कॉलेज के इलेक्शन पे खड़े हुए थे। अच्छा वो जीते क्या? और इस साल का कॉलेज का रिजल्ट आज डिक्लेयर किया जाएगा। चेयरपर्सन शशिकला सुरेंद्रन, वाइस चेयरमैन मोहम्मद नियास, आर्ट सेक्रेटरी SR प्रेम नियमित किए गए। उसके बाद हम दोनों और पास हो गए। अच्छा उस समय भैया आपको व्हाट्सएप में पिक्चर सब भेजा क्या? ओह सॉरी, उस समय व्हाट्सएप तो होता नहीं होगा ना, तो रात भर तुम दोनों मोबाइल पर लगी रही होता है ना? अच्छा और क्या क्या पता करना है तुम्हें? नहीं नहीं बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। तुम ना जानो तो अच्छा होगा। इधर देखो दीदी, पब्लिक में ओपनली किस करता है आज के लोग? कुल्ले हम, आप टीवी सब देखते नहीं क्या? अरे मेरी माँ, मैं सब कुछ देखती हूँ। घर का नाम बिगाड़ने के लिए सब घूमती रहती है। अच्छा वो सब छोड़ो, आपका लव कब स्टार्ट हुआ बोलो ना दीदी। हर कॉलेज में जैसे होता है, हमारे कॉलेज में वैसे ही हुआ था। जैसे कि स्लो मोशन में वॉक करना, उसके बाद लड़की को देख के साइड से टच करना, और उसके बाद लड़की के हाथों से छापड़ खाना। ओ
उसके बाद क्या अंजाम होता है वो तो तुम्हें पता ही होगा। ऐसा सीन होने के बाद उसको अकेले चल के आना ही पड़ेगा ना। ऐसे आने से ही इस तरह की हरकत कोई कर सकता है ना। इसके बाद क्या होगा ये बातें तो हीरो को खबर लग जाती हैं। उसके बाद वो अपने हाथों में हॉकी स्टिक लेकर निकल पड़ते हैं। कॉलेज में अगर रेप सीन होता है तो वो पक्का लैब में ही होता है। वो इधर भी हुआ। उसके बाद मैंने देखा वो लड़की सही सलामत कॉलेज हीरो के साथ बाहर आई। उसके बाद हुआ हमारी लव का शुरुआत। फिर तो आपके बीच में एक पक्का डुएट संग चला होगा। क्यों? इसमें क्या डाउट है तुम्हें? अच्छा कौन सा स्टाइल? अरे यार मैं बचपन से पली बड़ी मुंबई में हूँ इसलिए मुंबई का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। ओल्ड सॉन्ग तो अच्छा होगा। फिर तो वो पक्का रोमांटिक होगा है ना? उसके बाद वो 6 फुट का हीरो मेरे पीछे ही घूमता रहता था। मैंने उसके हाथों में हथकड़ी बांधकर मेरे कस्टडी में रखा है। ए, चुप रहो तुम। तुम्हें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है कि नहीं? कोई भी मिल जाए तो तुम शुरू कर देती हो अपना प्रेम कथा। शादी के बाद पता चला तुम्हारा दूसरा चेहरा। जब मैं कॉलेज में था तो कितनी सुंदर लड़कियां मेरे पीछे घुमा करती थी। सनी किसको छोड़ता है, तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी। प्यार करके शादी करने से मेरी किस्मत तो फूट गई। सिर्फ 10,000 रुपए मिले। तेरे बाप को थोड़ी सी भी सॉरी सर सॉरी। वन मोर टेक। पहले पानी पियो तुम, फिर से टेक लेंगे। एक गिलास पानी देना। अभी लेकर आए सर। सर टेक चलते हैं। फोन साइलेंट में डालो। सर आपकी वाइफ है फोन में। हाँ हाँ एक मिनट सर। एक मिनट सर। हेलो, अभी डबिंग खत्म नहीं हुआ। तुम कहाँ हो अभी? हम तो अभी कॉफी शॉप में ही है। ठीक है एक काम करो, तुम कॉफी पीते रहो, मैं आ जाऊंगा जल्दी। कॉफी तो एक पहले ही पी लिया, क्यों? और एक कॉफी पीने से प्रेम रेडी हो ना। हाँ सर। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, पिक्चर अगर आधे से देखना है तो कोई जरूरत नहीं है मुझे। ओह तुम फोन रखो अभी, पहले से मेरा गला खराब हो रखा है। डबिंग के साथ पता नहीं ये लोग फोन किस लिए इस्तेमाल करते हैं। लगता है मेरे आज से लाइफ खत्म हो जाएगी। सर आप डायरेक्टर साहब को बोल के सिनेमा में ट्राई कर सकते हो ना। ऐसे करने से अगले बार बुलाएगा भी नहीं। अगर वाइफ के साथ सिनेमा नहीं गए तो? वाइफ को तो आसानी से संभाल लेंगे। प्रेम क्या गड़बड़ है इधर, तू जरा पीछे हटो, स्क्रिप्ट जरा दिखाओ। प्रेम ये डायलॉग बोलने में मजा आना चाहिए, बहुत फीलिंग्स है। कैसे? ये देखो। हे रुको ना, सुना ना। ऐसे नीचे से आना चाहिए आवाज। क्या नीचे से? अरे प्रेम पेट से, पेट से। मुझे आवाज पेट से नहीं आती, मुंह से आती है। नीचे से निकालना तो किसी और को बुला लीजिए आप, मुझसे नहीं होगा। क्या प्रेम तू? हाँ पकड़ो इसे, कुछ बोलते तो सुनता ही नहीं। गले से ही आवाज नहीं आ रही है, इसको नीचे से चाहिए, नीचे से। इस बेवकूफ को कोई काम नहीं है क्या? प्रेम रेडी फॉर टेक? हाँ रेडी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। अच्छा वो सही, हम क्या यहाँ कॉफी पीने के लिए आए? बस सिनेमा जाना है या नहीं? उठो उठो उठो, जल्दी उठो जल्दी उठो। अच्छा ठीक है चलते हैं चलते हैं। अगर उनका वेट करते रहे आधी पिक्चर ऐसे निकल जाएगी। थोड़े दिन से ऐसे ही कर रहे वो मेरे साथ। अगर नहीं आ सकते तो पहले ही बता देना था ना। उनके ना होने से एक टिकट भी वेस्ट हो जाता है ना। पहले से बोलने से कम डैडी को बुला सकता था ना। वो सब सही नहीं होगा, ये उनका अभी एक्सरसाइज करने का टाइम है। ये क्या एक्सरसाइज? हाँ पेट कम करने के लिए। सुबह शाम ऐसे ही बीच में भागते रहते हैं। हे भगवान उनका पेट कम हो गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी।
उन पुलिस वालों की वजह से सब बेकार हो गया। पता नहीं आज सुबह किसका चेहरा देखा। मजा आ रहा है। चलो चलो। अरे यार ये पुलिस वाली वापस आ गई। अरे तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? इस बुढ़ापे में ऐसा काम कर रहे हो और तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म भी नहीं है? क्या है ये सब? तू अपना काम कर। अच्छा तुम खाओ। सुनो तुम खाओ अच्छे से। पापा आपको सब खेल है। जब प्रेम ने मुझे बताया कितनी बदनाम हुई पता है आपको? आप कहाँ एक्सरसाइज करने गए थे? बैसन नगर बीच में क्या? अरे उधर तो किसिंग चलती है ना। अरे मेरे लाल लड़के हम बैसन नहीं मेरे ना बीच में किस करते हैं। हे भगवान इस उम्र में भी बहुत रोमांटिक हो आप। कल से बिल्कुल अकेले मत जाना, इसको भी लेके जाना साथ में। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना आप पर। पिताजी आप ऐसे क्यों करते हो? पहले आप इधर आने से इनकार करते थे ना, मुझे फ्लैट में बिठा के मुझे मारने से तुम लोग प्लान करते थे ना। अब देखो तो कितने महीने हो गए इन्हों आकर, अब जाने के लिए नाम नहीं लेते। अगर मुझे गुस्सा है तो आज निकल जाऊंगा यहाँ से। मगर गुस्सा नहीं आएगा ना। अभी तो इनके जैसे इनको और दो दोस्त मिल गए। ये सब करने से हमारा बेइज्जती बहुत होते है। क्या बेइज्जती? ये सब बेइज्जती है क्या? हाँ वो तो सही है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म होती ना तुम बीच जाते ना वहाँ कुछ गंदे हरकत करते। मेरे मुँह से ना अच्छे गाली आ रही है। एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे, कोई एक्सरसाइज नहीं करोगे तुम, अगर इस घर से बाहर निकले तो तुम्हारे टांग तोड़ दूंगी तुम। फिर मैं अपना पेट कैसे कम करूंगा? अरे अगर तुमने अपना पेट कम कर लिया, लड़कियों का बाहर आना जाना बिल्कुल बंद। अरे प्रेम इस समय वो बुड्ढे लोग मुझे गालियां दे रहे होंगे। ऐसा क्यों? उनको पुलिस पकड़ के लेगी, उनका कारण मैं ही था ना। वो तो अच्छा हुआ इंस्पेक्टर आपके फ्रेंड थे, तभी उन लोगों को लॉकअप से छोड़ दिया, नहीं तो जेल की चक्की पीसनी पड़ती थी उन्हें। क्या पीस रहे होते? एक बात बताओ, ये तीनों बुड्ढे बहुत मस्त है। उस ग्रुप में डेविड ही सबसे ज्यादा मस्ती करते हैं। हाँ मैं खुलेआम मस्ती करता हूँ। हाँ थोड़ी उम्र होगी है मानता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं चर्च में तो नहीं जाके बैठ सकता ना। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ऐसे तो नहीं मैं बोल सकता ना, और ऐसे बोलते मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं अपनी जिंदगी मैक्सिमम एंजॉय करना चाहता हूँ और यही मेरा मकसद है। हाँ मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट किया, मेरे खिलाफ कंप्लेंट किया गया है। उस कंप्लेंट को लपेट कर अपनी जेब में रखने के लिए बोलो, सब बकवास है। अच्छा सुनो तुम्हारी वाइफ आ रही है ना? अरे वाइफ के नाम से क्यों मुझे डरा रहा है? अरे सच तो यही है ना। नर्सिंग का काम छोड़ के मैं जल्दी आ रही हूँ यहाँ, उसने कहा। उस चुड़ैल के आने से मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं ऐसे रहना चाहता हूँ। पर मुझे तो उसकी कोई डर ही नहीं है। क्यों क्या हुआ? तुम बहुत लकी हो यार। अच्छा सुनो तुम्हें जो पुलिस ने पकड़ा वो प्रेम ने ही खबर किया था ना, तकलीफ हुई सुनकर। साला कबीरा कभी तो मेरे हाथ में फंसेगा ना, फिर बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। क्या हुआ? वो कैसा खेलता है ये मुझे अभी तक नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि वो मेरे एरिया का लड़का है। ओ हे भगवान। आप मेरे लिए एक बार देख लेंगे तो अच्छा होगा। तो फिर ठीक है ओके। सुनो चैनल वाले आ जाएंगे ठीक है। थैंक यू सर। एक सेकेंड, सिंधु का फोन है। हेलो, तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए चैनल वाले आ रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। हमारे एरिया का एमएलए बुलाएंगे तो जरूर उनको आना पड़ेगा। देखो तुम बस बढ़िया खेलना, बस अब तो तुम दुनिया भर छाने वाले हो। वैसे इस शहर में लोगों के बीच मैंने अपना नाम ठीक कमा रखा है, तुम सब मिलके ये सब बिगाड़ तो नहीं दोगे ना? नहीं नहीं सर, आप क्या बात कर रहे हो। अगर हमारा लड़का बॉल पकड़ा तो ऑपोजिट टीम मिल जाती है, उसके हाथ से बॉल लेना बहुत ही मुश्किल है सर जी। अच्छा? हाँ हाँ हाँ। वो बॉल को ऐसे लेके जाता है, हवा में ही बास्केट मारता है। अगर आपने देख लिया ना, फिर उसको लाइफ पर बुला ही नहीं सकते हो। Yeah.
फादर आ रहे हैं, दूर रहना पड़ेगा। तुम्हें कितने बार बोलो फायदा ही नहीं है। इस कॉलेज में तनख्वाह कम मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तू यहाँ टाइम पास करते ही रहो। फादर एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ कि नहीं, मैं ऐसे बॉल नहीं डालना करके सिखा रहे थे लड़कियों को, और तभी आप सामने से आए तो इसलिए बॉल आपके सर पे लग गया। अच्छा तो एक काम कर, वो बॉल दे देना, जल्दी देना। लीजिए लीजिए बॉल। अच्छा ये बॉल पकड़ो, पकड़ो ना तू एक ही बार ये बॉल को बास्केट में डालना। जरूरी है क्या? डालना तो डालना है बस। ओके लो पकड़ो, तुम डालो। वो नहीं, तू ही डालना, तू ही डालना, मुझे दो, लो डालो, जल्दी डालो इसको। बच्चे देख रहे हैं, बेइज्जती मत करो फादर। जो कोई शर्म है क्या नहीं, डालो। इस बार कैसे भी बास्केट में गिर जाना। लगता बॉल में हवा नहीं है। तुमसे ये नहीं होगा भाई। अरे देखो टाइम एक घंटे से ज्यादा हो गया, तू एक बार भी बाल नहीं डाला। मैं कोच हूँ, मेरी ऐसी बेइज्जती मत करो। तो क्या कोई कोच है? फादर वो बास्केट थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या? क्या बड़ा करना है? अगर बास्केट बड़ा करे तो शायद घुस जाए। ओ माय लॉर्ड, गाली मत दो फादर। हेलो हेलो, हाउ आर यू? हेलो एवरीबॉडी। ओ, तू यहाँ पे था क्या? हाँ। बॉल उनको दे दो, वो खेलेंगे। तुम्हें इंटरव्यू करने के लिए चैनल वाले लोग आए हैं। ओके, वैसे इंटरव्यू के लिए चैनल वाले आए हैं। ओके बाय। ओए कोच, बॉल डाला जा, दे दो, दे दो। चलो बच्चे, लो बच्चों अपने आप प्रैक्टिस करो, उस कोच से कोई फायदा नहीं होगा, उससे भरोसा करके तुम्हारा लाइफ बिगड़ेगा। नमस्कार, आज हम एक प्रतिभाशाली कोच को मिलने जा रही हूँ सेंट जोसेफ कॉलेज में। सर आपको कैसा लग रहा है, आप यहाँ की कोचिंग कर रहे हैं? ऑपोजिशन की टीम बहुत डरी हुई है आपसे। जब से मुझे इस कॉलेज में कोच बनाकर लाया है, बाकी सारे टीमें डर गई हैं। मेरी टीम में सारी बेकार लड़कियां मुझे मिली हैं। लेकिन जब से मैंने कोच बनकर चार्ज लिया है, उनको जब भी चाहे उनको बहुत अच्छा कोचिंग देना ही मेरा सर्वप्रथम उद्देश्य है। यही है, यानी हमें जीत हासिल करनी है, वही है मेरा वो क्या कहते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वही है सबसे अच्छा स्पिरिट मुझे लगता है। थैंक यू सर। ओके फिर फाइनल में मिलते हैं। ओके बाय। इधर रखो, तुम्हारी पुरानी कार बेच दो, नई कार खरीद लो। कितने दिन से कह रहा हूँ लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। अरे ये मेरा लकी कार है, ये कार लेने के बाद ही मेरा डांस क्यों बच्चा चल रहा है। कार में डांस क्लास चला रही हो क्या? बस कुछ भी बोलती हो तुम, बोलने से पहले कुछ सोचो। बहुत टाइट कॉम्पिटिशन फील्ड है ये, फिर भी हमारी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। अच्छा वो सब सही, लेकिन तुम्हारा डांस परफॉर्मेंस कभी देखा ही नहीं। इसके लिए टीवी ऑन करना पड़ता है, तब पता चलेगा मेरा एंड टीम का डांस। अच्छा मैं जो डबिंग करता हूँ वही नहीं देखता हूँ टीवी पे, तो तुम्हारा डांस प्रोग्राम कहाँ से देखूंगा? तुम मत ही देखो। ठीक है अंजना मैम क्या बोल रही है, हम दोनों को बात किए बहुत दिन हो गए। अच्छा क्यों ना बुलाए उसे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बुलाओ। हाँ ठीक है। मीरा ने कॉल किया है। हेलो मीरा, कहाँ हो तुम? मैं अभी तुम्हारे गांव में ही हूँ। रियली? तुम्हारी फैशन डिजाइन कैसे चल रही है? तेरा डिजाइन किया ड्रेस कोई पहन रहा है नहीं? ए तुम मेरा मजाक ना उड़ाओ। मेरे जॉइनिंग के बाद ही ये शॉप बहुत फेमस हुआ है। ऐसा क्या? अच्छा वो ठीक है, तुम कहाँ पर हो? मैं अभी बीच रेस्टोरेंट में हूँ। अकेले क्या? नहीं मेरे साथ एक दोस्त भी है मेरा। दो, दो, दो। हेलो, आवाज पहचानी? अरे आप वहाँ कैसे, कैसे मिले उससे आप? वो सब मैं बताता हूँ, बिल देना। ओके सर। अच्छा मीरा को लेके मेरे फ्लैट में आ जाना। मीरा पहले जैसी नहीं है, बहुत बिजी हो गई है। अंजना सॉरी यार, मैं थोड़ी बिजी हूँ, एक और दिन पक्का आऊंगी। ठीक है। ओके ओके, जब तुम्हारे काम से फ्री हो जाओगी तब आ जाना। ओके ओके बाय। आज जाएगा। ये देख कितनी खूबसूरत है ना। अरे वो देखो, वो प्रेम है ना, उसके साथ कोई है, वो कौन है?
ए भगवान, उसको लेके चला गया हो। तुम क्या ऐसे देख रही हो? इस तरह घूर के देखने से मैं डर नहीं जाऊंगा। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा भरोसा करो। उसके साथ थोड़ा देर बैठ के खाना खाया और कुछ नहीं है उसके साथ मेरा। वो इतना बड़ा इशू होगा वो मुझे नहीं पता था पहले, लेकिन तुम्हारे भी इतनी सारी इश्यूज है, मैंने कभी कुछ बोला उसमें? क्यों, हम दोनों तो इतने साल से एक साथ हैं, इसके बावजूद तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है, लेकिन तुम मेरे पे इस तरह इल्जाम लगाओ। मुझे अच्छे से पता है ये एक शरीफ पत्नी है, इसलिए उसे बेवकूफ बना रहा है। जो वो कह रहा है वो मानेगी? ऐसे शुरुआत हो गई आपकी? अच्छा, वो चित्रलेखा सीरियल देखा है तूने? शालिनी, वो बिल्कुल अच्छी लगती है। पिछले एपिसोड में शालिनी ने क्या कहा तुम्हें पता है? शरत, तुम्हें कैसे जीना है तुम जियो, मेरी लाइफ कैसे जीना है मैं खुद जीऊंगी। ऐसे बोलने से वो शरत सुधर गया। लड़की हो तो उसके जैसी। ए? चली गई क्या? अच्छा, आप अपने पति को भी कुछ सिखाओगे? वो अपने हरकतों से बाज आ गए। हाँ, किस लिए? अभी मैं ये डायलॉग उस आदमी को बोला तो वो क्या बोलेंगे पता है आपको? तुम्हें जो करना है वो तुम करो। वो आदमी कभी सुधरेगा ही नहीं। आप सीरियल देख देख कर सीरियल पागल बन गए हो। तुम देखो, सीरियल का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है? एक एक घर में जो भी हो रहा है वही सीरियल में दिखाते हैं, और वही तो सच्चाई है। देखो तुम, हो सोचो उस लेखक का हालत जो इतने कष्ट उठा के लिखते हैं। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, पता है क्या तुम्हें? डबिंग के लिए तुम्हारे हस्बैंड के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। देखो 100 साल जिए वो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, क्या हुआ, डबिंग खत्म हो गया? हाँ, यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ से हैदराबाद जाना है अभी, वहाँ 2 दिन लग जाएंगे, उसके बाद फिर देखता हूँ, आके मिलता हूँ, फिर देखता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। आओ आओ, अंदर आओ। क्या बहन जी, आज आप जल्दी आ गई? हाँ, मैं जल्दी आ गई आज। फिर तो आपने अच्छे से पकाया होगा। अच्छा, इधर आना। क्या आंटी? आजा मुन्ना, इधर आ। वो कुछ नहीं, वो क्या है ना, मैं तुम्हारी मम्मी जैसे खिंचाई नहीं करती। मेरे वाइफ के बारे में कुछ मत बोलना। मैंने क्या गलत बोला? जो है वो ही बोला, इसमें तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? हाँ ठीक है ठीक है। पीने के लिए कुछ लोगे, चाय या कॉफी? हाँ चाय कॉफी कुछ भी चलेगा। टी कॉफी सब बाद में, पहले मीटिंग शुरू करते हैं। क्यों, सही बोला ना? नैंसी, कल हम आउटिंग चले क्या? कल है क्या? ओह सॉरी अरुण, कल मैं थोड़ी बिजी हूँ। अच्छा ओके, फिर बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू। बात कोई चेंज तो नहीं है ना? कुछ चेंज नहीं है, 31 फिक्स हो गया। हाँ ताली बजाओ, ताली बजाओ। हाँ। ताली बजाओ। अरे यार, सुबह सुबह पता नहीं कौन है फोन कर रहा है, कौन है यार? अरे कौन है यार? हेलो, ए खुदा मेरे, मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है तू? क्या, कब? ओ फिर तो बहुत गड़बड़ हो गई। हे भगवान, तब तो एक बात तय है, वो हमें लेकर ही डूबेगा। गुड मॉर्निंग अंकल्स।
यार, उसने हमें ऐसी वाट लगा रखा है। मैंने बहुत सारी कामवाली को देखा है, मैं जितनी तनख्वाह देता हूँ उतना काम भी ले लेता हूँ उनसे। मगर वो छुपा के कैमरा लाएगी, वो अंदाजा नहीं था मुझे। सच कह तो हम लोग बुरी तरह फंस गए। हाँ। स्पाई कैमरा? अरे देश में बड़े बड़े नेता लोग भी कैमरा में फंस जाते हैं, उनके सामने हम क्या चीज हैं? अगर नेता लोग फंस गए तो सरकार कैसे भी पैसा खिलाकर उन्हें बाहर निकाल सकते हैं केस से। हम किधर से पैसा देंगे, हमारे पत्नी हमको 10 रुपए भी नहीं देती है। एक ही बीवी के साथ चुपचाप कैसे भी करके जीना चाहिए था। ए भगवान, अगले जन्म में मुझे एक सुंदर सी लड़की बना के पैदा करना। वो किस लिए? पैसे कमाने के लिए एक छोटा सा कैमरा ही काफी है। अरे अच्छा जोक है। अरे सुनो, हम पुलिस में कंप्लेन कर देते तो फिर एक ही सेकंड में वो सीडी चैनल में दे देंगे, गांव वालों को और घर वालों को फ्री में ब्लू फिल्म देखने को मिलेगा। वो तेरे, इससे मर भी जाना अच्छा है। पहले 2, अभी 3, कल को 5 या 10, ऐसे लाखों पूछेंगे तो हमारी क्या हालत होगी। ये तो बिना क्लाइमेक्स की फिल्म है यार, ओ मेरे जीसस। अरे फोन उठाओ। बात मत करो, उसी का फोन है। इस वक्त क्यों फोन कर रही है? हेलो, बोलो बेटा क्या हाल है? आप आते वक्त चिली चिकन और चिकन फ्राई लेके आना, भूल मत जाना। और फिर बुहारी में से एक बिरयानी लेके आ जाना, और उसके साथ साथ कैश रेट भी लेके आ जाना। खाते खाते टीवी देख सकते हैं ना। चुड़ैल कहेंगी। अरे मेरे भाई, चैनल में एक ही तो इंटरव्यू आया है मेरा, इसमें मैं कौन सा बदल गया है? फिर खर्चा ही तो करना है ना, वो मैं देख लूंगा। ओके ओके, जाके हम अभी खाना खाए। हाँ चल खाना खाते। पिताजी, आप क्या गांव वालों से बुलाओगे क्या? क्यों, क्या हुआ? आपका पेट देख के लग रहा है कि आप सबसे पहले बच्चा दोगे। करो। अरे बेटा, मुझे एक बात बताओ। क्या है? तू चैनल में जाते वक्त क्यों इतना कड़ू दिखाते हो? रणधीर कपूर भी तुम्हारे जैसा सीन नहीं मारता। बस बस बस, ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, खुश हो रही है। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, अभी तो मैं बस टीवी में आया हूँ, इसके बाद जो मेरी जिंदगी है वो दूसरे स्थान पे चली जाएगी। उसके हिसाब से अगर आप लोग नहीं रहे, मेरे माँ बाप है ये मैं नहीं देखूंगा, दोनों को थैली में बांध के मैं कहीं फेंक दूंगा। अरे आप अंदर चलिए, इसका क्या भरोसा। तेरे लिए भी कह रहा हूँ मैं, ज्यादा हजमत। इन लोगों को जरा से भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होने से ही दूसरा बच्चा पेट में है। ज्यादा हजमत तू। अरे यार, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फोन पर बात कर। भाई बहुत भूख लगी है। ये फोन अटेंड कर लेता हूँ, तू अंदर जा। ओके। मैं अभी आता हूँ। मम्मी जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जोर से बोलो। हाँ मैं अंजना। अंजना, ये कौन है? लगता तुम पहचान नहीं पाए मुझे। नहीं पहचाना नहीं। हाँ कांची टेक्सटाइल्स में हमें। हाँ अंजना, पहचान लिया। मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? नंबर लेना बड़ी बात है क्या? मैंने चैनल से ले लिया। ओह, मेरे ये टीवी में आने के बाद मेरे फैंस कुछ बढ़ गए हैं। बाकी क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाँ ठीक हूँ। प्रियदर्शन क्या कह रहा है तुम्हारा पति? हाँ वो भी ठीक है। ओके, वैसे बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। अच्छा वो तुमने अभी फोन कर दिया। अगले हफ्ते से मैं तुम्हारे शहर में रहूंगा, तो तब मिलते हैं। ओके गुड नाइट बाय। अरे भाई, तेरे बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है तू आज बहुत खुश है। फोन पे कौन था, शर्ला या शकीला? चल भाग यहां से। ये मेरी पुरानी दोस्त है, कांची टेक्सटाइल्स में जब फैशन डिजाइनर की नौकरी कर रही थी तब से इसे मैं जानता हूँ, तब से दोस्ती है हमारी। तब वहाँ पे मैं परचेस मैनेजर की नौकरी कर रहा था। अभी एक गैप के बाद दोनों दोस्तों फिर से बात करना शुरू किया है, राइट? अरे जब से मैं टीवी में आया बहुत फेमस हो गया। कहीं फिल्मों में ना बुलाए, बस यही डर है, बस थोड़ा सा डर है। तू चाहे तो मेरे साथ रह सकता है। वो सब रहने दो, लेकिन पहले तुम कुछ खा लो वरना खत्म हो जाएगा। हाँ चल खाता हूँ। वो इंचार्ज सॉलोमन। आता हूँ।
चलो चलते हैं। चलो पिक्चर कैसी थी? अच्छी लगी तुम्हें? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, अच्छी नहीं थी वो। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे अच्छी लगी। हाँ मर्दों को तो अच्छी लगेगी वो पिक्चर के शुरुआत से लेकर एंड तक। वो हीरो जो भी फ्रॉड करता है उस हीरोइन को पता भी नहीं चला। अगर पता चल गया तो पिक्चर खत्म हो जाएगी ना। अगर मैं उस पिक्चर की डायरेक्टर होती तो तुम्हें पता मैं क्या करती? मैं उस हीरो की शक्ल को देख कर ना बिल्कुल एक डायलॉग बोलती। वो क्या डायलॉग है? अगर पति अपने हिसाब से रहना चाहते तो पत्नी भी अपने हिसाब से रहेगी। अरे ये सब पुराना डायलॉग है, डबिंग सीरियल में भी आ गया ये सब। उदाहरण के लिए उस हीरो की तरह मैं रियल लाइफ में रहने लगा तो शायद तुम इस तरह बोलती नहीं। क्यों बोलोगी तुम? क्यों जवाब दो। यही हालत था उस हीरोइन का भी। अच्छा अच्छी घर की कोई भी लड़की इस तरह डायलॉग बोलेगी ही नहीं। अंजना क्या हुआ तुम्हें? बोलो क्या बात है? कुछ नहीं बस ऐसे ही। कहाँ जा रही है? इधर आना। मत छुओ मुझे, छोड़ो प्लीज। हे तू अभी तक उसे भूली नहीं है क्या? तू मेरे बारे में जानती है ना? कैसे भी हो मैंने फैसला कर लिया है, आज के बाद फिल्म देखने के बाद उसका रिव्यू कुछ नहीं करूंगा मैं। क्यों ठीक है ना? मैंने जो बोला ना वो इंग्लिश फिल्म। अरे हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए देखिए। ऐसे लग रहा है जैसे तबले को किसी झोले में डाल के ले जा रहे हैं। कहीं तो जाना पहचाना लग रहा है ना? क्यों रे नहीं याद आ रही क्या? हाँ हाँ हमें मिले बहुत दिन हो गए ना, अचानक देखते ही। अंदर आओ ना। फोन भी नहीं किया और सरप्राइज विजिट दे दी तुम। हाँ यही तो मीरा का स्टाइल है, किसी की अपेक्षा ना करके उनके घर जाना ही मीरा का स्टाइल है, उसी में थ्रिल है ना। प्रेम कहाँ है? अंजना हेलो मीरा कहाँ चल रही है? मुझे अर्जेंट स्टूडियो तक जाना था, एक डबिंग कंप्लीट करनी थी, अगर आप इजाजत दे तो। इसमें क्या है? नो प्रॉब्लम, मैं तो अंजना से मिलने आई थी। तेरी डांस क्लासेस कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। साउथ इंडिया का कोई भी प्रोग्राम रहेगा उसमें मीरा का डांस जरूर रहेगा। चैनल की कोरियोग्राफी करती है क्या? हाँ करती हूँ ना। बहुत पैसा मिलता है, नजर मत लगाना। ठीक है तुम लोग बातें करते रहो, मैं चलता हूँ। तुम जा रहे हो? ये ऐसे ही है, घर में कोई गेस्ट आता है ये ऐसे ही बिजी हो जाते हैं। तुम लोग दोनों मिलके बातें करते रहो, मैं जाके तुरंत आ जाता हूँ। तुम्हारी बातें खत्म हो जाएगी तब तक आ जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है ठीक है। तेरी फोटो से ज्यादा तो मामूटी की फोटो लगी हुई है। अरे उसके बारे में कुछ मत बात करो, सुपरस्टार मामूटी तो इनके जान है, बहुत बड़े फैन है। और तेरे को? मुझे तो शाहरुख खान पसंद है, इनको फिल्मों में चांस देंगे करके उन्होंने कहा था और प्रॉमिस भी किया था। एक्टिंग का शौक भी है क्या? उनको तो बचपन से ही है,
एक्टिंग का मौका ढूंढते ढूंढते 2-3 साल ऐसे ही खराब कर लिया उन्होंने। फिर पाठ कथा लिखने के लिए गए, फिर उसके बाद हम लोगों की मुलाकात हुई और उसी की वजह से तुमको एक अच्छा पति मिला ना। अच्छा तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम क्या हुई? वो तो चल रही है, हम दोनों डाइवोर्स ले लिया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। शादी करने के बाद ही मर्द का असली रूप औरतों के सामने आता है। तो तुम्हारा बेटा? हाँ, वो तो उसका बेटा है ना, हमने तो मना कर दिया। तो तू अकेली चाहिएगी क्या? इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं, उससे भी एक अमीर आदमी देके उसे शादी कर लूंगी और उसके सामने जी के दिखाऊंगी। इस जनरेशन में परेशानी के बिना कोई फैमिली नहीं है, पता है? हाँ, इस विषय में तेरा परिवार बहुत लकी परिवार है। तो फिर सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ, सब कुछ ठीक चलना चाहिए। तुम शुगर के पेशेंट तो नहीं हो ना? ये तो अंजना है ना? हेलो अंजना। हेलो संजू, व्हाट अ सरप्राइज, कब यहाँ आए? तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। शादी के बाद तुम अपनी खूबसूरती पे जरा भी ध्यान नहीं दे रही हो क्या? पुरानी चमक बिल्कुल नहीं है। दूसरों को छेड़ते रहना अभी भी तुम्हारी वही आदत है ना? अरे ये तो तुम्हारे वही पुराना फोन है, बिल्कुल बदलाव नहीं है। हेलो, हाँ बोलिए। मैं खुद तुम्हें फोन करना चाहती थी, हमें एक नया गेस्ट मिला है, वही हमारा पुराना सिंजो। हो, यहाँ आ गया क्या? रुको रुको, मैं बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो, हमारे फ्लैट में जरूर आना। ये कोई बोलने की बात है क्या? जब मर्जी आ जाऊंगा। ओके ओके, बस इंतजार कर रहा हूँ। ओके बाय बाय। ये लो, पता उसने क्या कहा? कि आज दावत रखी है, खा के ही जाना। मुझे बहुत टाइम हो गया अच्छी दावत खा के। बहुत सालों बाद इतना टेस्टी खाना खाया है मैंने, और वो भी आज। थैंक्स अंजना। तो तुम्हारी बीवी कुछ भी नहीं खिलाती क्या? और नहीं तो क्या, वो जो खाना खिलाती है मुझे, जुलाब के लिए मुझे और कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। उसके हाथों में इतनी रुचि है। तेरे जैसे इंसान के साथ जीने के लिए उसकी बहुत तारीफ करनी चाहिए, बिचारी तेरी बीवी। वैसे तुमने जो खाना बना के दिया मुझे, बहुत ही स्वादिष्ट है। थैंक्स। हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उसका पूरा ख्याल करते हैं, और ये फैसला हम दोनों का है। ऐसे फ्लैट में रहने वाले हम जैसे लोगों के लिए यही छोटी छोटी खुशियाँ हैं। तो आज के बाद मैं भी उस खुशी में शामिल हूँ। मेरे कॉलेज गेम्स खत्म होने तक बीच बीच में मैं आता रहूंगा। क्यों? सच मैं खुश हूँ। ओके। कर रहे हो? नहीं, बहुत अच्छा इंटीरियर है। मैं अभी प्रेम को फोन की थी। हाँ। उन्हें आने में लेट होगा। ओ, तो फिर मैं निकलता हूँ, जंक्शन में ड्रॉप कर देती हूँ, वहाँ से आपको जाने के लिए गाड़ी मिल जाएगी। तो ठीक है, रुको मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ओके ओके। क्या खाना था यार। बस करो आप भी तो। चले फिर। हाँ चलते। ओके। रात के 11 बजे हैं। लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो रही है ना? हो रही है ना? हो रही है। हो रही है। अरे वाह, कितनी प्यारी है। पापा चाय। तेरी माँ कहाँ है, सुबह से नहीं देखा उसको मैंने।
एक हफ्ता में मम्मी को स्लिम ब्यूटी बनाऊंगी। कविता आंटी से कहा है? कविता आंटी ये कौन है न्यू एंट्री? आप नहीं जानती हूँ कविता आंटी को? नहीं मैं नहीं जानता। फिर अभी आएंगी मिल लेना। हाँ तो ठीक है। ओ जीसस ये क्या चाहती है, वो यहाँ पर भी आ गई। भगवान इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। इतनी जल्दी थक जाओगी तो कैसे होगा, भी दो राउंड ही तो हुए। चलो चले। तुम मेरी बात सुनो, ये सब मेरी आदत नहीं है, अब तो ये कदम और। नहीं 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 नहीं, ऐसे कहोगी तो कैसे, पतला नहीं होना है क्या तुझे? ये शरीर कभी स्लिम नहीं हो सकता है। वो बच्चे मुझे देख के हंस रहे हैं, हंसने के लिए क्या है यहाँ पे? नहीं इसने पूछा हाथी भी पत्ते होते हैं क्या? पहले जाके अपने माँ बाप को पत्ते होने के लिए कहो। देखो ये मोटी को गुस्सा आ रहा है। मोटी बोला था तुम्हें उठा के फेंक दूंगी, बंदर की औलाद। देखा बहना मोटी काउंटर दे रही है। ए, तेरे को इससे पहले मैं मार दूं सीधा स्कूल जा तुम। ये बड़े होकर क्या करेंगे भगवान ही जाने। ये बच्चे तो कभी सुधरेंगे नहीं। क्यों दीदी एक्सरसाइज करने चले क्या? नहीं 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 कल करेंगे। नहीं नहीं एक हफ्ते बाद करेंगे। नहीं एक महीने के बाद करेंगे। हाँ ओलंपिक्स ट्रेनिंग खत्म होगी। आज की ट्रेनिंग तो खत्म हो गई। हाँ तेरे पापा कहाँ हैं? इतने देर मैगजीन पढ़ते हुए यही बैठे हुए थे। अच्छा अरे बाबरे, सुबह मेरे हाथों से चाय नहीं दिया ना, नाराज हो गए। इसको यही टाइम मिला था। इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत जरूरी मीटिंग है। तो आपको खाना नहीं खाना है क्या? वो मैं बाहर से खा लूंगा। अच्छा ठीक है। देखो ने। अच्छा ये ना। क्यों अंकल हमसे नहीं मिलोगे क्या? अरे तुम एक दूसरे को जानते हो क्या? क्यों अंकल पूछ रही है बताओ ना। अरे मैं इसे बिल्कुल पहचान नहीं पाया। अच्छा। सच में पहचान नहीं पाया। तुम कविता ही हो ना? मैं पहचान गया। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, आपने बोला नहीं जानता है। कौन? कब? मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। बुढ़े हो रहे ना इसलिए याददाश्त थोड़ी कम हो रही है ना। हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसीलिए भूल गए हैं। हाँ इसीलिए बिल्कुल। ठीक है आप आपका झगड़ा चलाते रहो, मैं चल रही हूँ। बाय। अच्छा मैंने सुना था कि तुम यहाँ से जा रही हो, और कितने दिन रहोगी यहाँ? मुझे चाय बना के दे। आप रुकिए ना, मेरा एक काम करके दो तीन आदमियों ने वादा किया है, वो मिल जाए तो मैं जरूर चली जाऊंगी। जैसे भी हो 30 तारीख तक तो मैं यही रहूंगी, उसे ज्यादा एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करती। ऐसा क्या 30 तारीख तक यहीं पे रहोगी? हाँ तो फिर अपने फ्लैट के एनुअल प्रोग्राम के बाद ही जाना, ठीक है? हाँ कोशिश करूंगी। हे भगवान, अपनी रनिंग की कोचिंग खत्म करने के बाद लगता है वो आ गई है। अरे भगवान मैंने तो दूध ही नहीं गर्म किया, उसको दूध देना है क्या? वो क्या अमूल बेबी दूध पीने के लिए? अबे तू है क्या, मैं तो डर गया था। हाँ, अब तो डर के रहना हमारी किस्मत में होगा। अरे मेरे अंडे की सब्जी, अब कैमरे यहाँ आएगा। अरे तू इधर आ, अब वो मेरे फ्लैट में है, यही बोलने के लिए आया मैं यहाँ पर। ऐसी बात है, अब सबके घर में आना जाना शुरू कर दिया है। जितनी जल्दी हो सके उसको यहाँ से निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जिंदगी सत्यानाश हो जाएगा। तू यही था क्या? ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी? कविता के बेहतरीन कपड़ों को आयन करना ही इनकी आजकल ड्यूटी है। सुनो मैं आज तक मेरा बीवी का एक ब्लाउज भी आयन करके नहीं दिया हूँ, ये सब मेरे तकदीर है, राजयोग है। अंकल क्यों तकदीर पे इल्जाम लगा रहे हैं? तुम्हारा ठीक होता तो ऐसा होता क्या? ए, तू अपने आप को बहुत पतिव्रता समझती है क्या? ये हमारी वीकनेस थी और तुमने उसका फायदा उठा लिया। तुम जैसे आदमियों को ऐसी वीकनेस होने से ही हम जैसी लड़कियों की जिंदगी काफी खुशहाली चल रही है। सुनो तुम्हें टॉर्चर करना इस जिंदगी का मकसद नहीं है, मैंने जो मांगा था आप दे देंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्यों अंकल तुम्हारी लाइफ फॉरेन में बहुत बड़े ओहदे पे है ना? उसके लिए? नहीं उनकी 2-3 महीने की तनख्वाह मुझे दे देते दे तो। देख यार ये मुंह और मसूर की दाल,
पैसे देना है कि नहीं, हम थोड़ी देर सोच के ही बताएंगे। अच्छी तरह से सोचो, लेकिन ज्यादा देर मत सोचना। ज्यादा सोचोगे तो तुम्हारी पारिवारिक जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी। चलो क्या, हटो। ऐसी चाल चला की ना हमको, ऐसी चाल चला रही है अभी। हे भगवान, बहुत हो गया, इससे ज्यादा भी हमें टॉर्चर मत करना। अच्छा, अगर हम ऐसे बेवकूफों की तरह रहे तो हमारे सर पे खड़े के नाचेगी। इससे पहले हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। बिल्कुल ठीक कहा। हमारा दूध वाला मनी है ना? मनी वो पहले था, अब ब्लैक मनी। ब्लैक मनी वही लोग है ना? एक दो तीन। ये कौन है बे? ये नया दोस्त है मेरा। अबे तेरा नाम क्या है? अरे उसको ये भाषा नहीं आती है, वो दूसरे गांव का है। अब तुम्हारे काम के लिए बाहर से आदमी ला रहे हो क्या? इनको पैसे कम देने से चलेगा। इतना ही नहीं, हमारी कब्र नहीं खोते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, पैसा लिया उसका क्या हुआ? ना सूद दे रहे हो ना उसका ब्याज। ब्याज पे देना मेरा काम नहीं है, पैसा कैसे वापस लेना वो मैं जानता हूँ। वो सब मैं जानता हूँ सलीम भाई। ब्याज में पैसा उठाकर घर नहीं बनाना चाहिए, मुझे अभी समझ में आया। जब आपके साथ आता था तो लगता था पैसा मैं इकट्ठा कर लूंगा। अब समझ आया ना कि आपका काम आसान काम नहीं है। तुम्हें यहाँ कहानी बुलवाने के लिए नहीं बोला है। पैसा कैसे वसूल करना है मुझे मालूम है। एक हफ्ते के अंदर पैसा नहीं मिला ना तो तू समझ लेना क्या होगा। चल हट। लगता है थोड़ा चढ़ गया। चढ़ गया, बिल्कुल चढ़ गया। पता है ओरिजिनल भी ऐसी नहीं होगी, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। ऐसा कुछ नहीं रे, दिल में से नहीं निकल रही वो। मेरी बात तू सुन, पुराने बातें सब याद है ना, उसको भूल जा। थोड़े दिन पहले मेरी बात सुनना, पुलिस क्वार्टर्स में रहने वाले बच्चियों को
बास्केटबॉल के बेसिक्स तू सिखाएगा बोला था। वहाँ एक पुलिस वाले की बीवी को बास्केटबॉल के बेसिक सिखाऊंगा बोल के उसने तेरे को एक इनाम दिया था, याद है ना तुझे? वो तो उनको गलत फहमी हो गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन इस गेम में मैं आर या पार जानकारी में हटूंगा। अबे तू इतना कमीना होगा मैंने सोचा भी नहीं था। तुझे अपना पुराना दोस्त समझ के घर पे जगह क्या दे दी? तू मेरे ही घर पे खेल खेलना शुरू कर दिया। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मेरे घर पे ना होते हुए तूने मेरी बीवी पर बुरी नजर से देखा। बता क्यों जुबान नहीं चल रही है क्या? एक घूसा मारूंगा तो मर जाएगा साला ये। तू ये लंगूर की तरह बैठ के क्या घूर घूर के देख रहा है? एक मारूंगा तो मर ही जाएगा। एक बात मैं समझ गया हूँ, दोस्त हो या रिश्तेदार हो उसको अपने औकात में रहना चाहिए, नहीं तो आग लगा देगा घर में। क्यों से रोके है? हाँ ओके। डायलॉग्स कैसे थे? अच्छा था, बिल्कुल दिल पे लगने वाला था। थैंक्स। हाँ प्रेम। हाँ एक और चीज है। उसके बाप को गाली देना है क्या? कल एक एपिसोड है। हाँ ठीक है प्ले करो। मेरी बीवी शालू तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार थी? क्या मजाक है, तेरी भी बीवी है ना, काफी नहीं है तुझको? हाँ मैं क्या करूँ बोलो ना। प्रेम उसकी आवाज में जान दो। इनको कोई अच्छा काम नहीं मिला है क्या? कैसे कैसे डायलॉग है यार। ऐसे लिखने से सीरियल नंबर 1 आएगा। नहीं ये सब जरूरी है, मतलब क्या टाइमिंग है इन सब का। हाँ रेडी निकालते हैं। ये डबिंग दिखने में बहुत आसान है लेकिन करने में बहुत मेहनत है ना। अरे इसे बॉल को उछाल उछाल कर बास्केट में डालने वाला काम नहीं है ये, स्टूडियो में आके माइक के सामने खड़ा होकर ही पता चलता है। रजनीकांत की इंद्रन पिक्चर देखे हो क्या? उसमें वो हिंदी वाले कैरेक्टर का आवाज किसने दी पता है क्या? वो भी एक डबिंग आर्टिस्ट ने ही दी है। ऐसे भाषा ना जानने वाले स्टार लोगों को हम जैसे डबिंग आर्टिस्ट ही देते हैं। लेकिन तू एक्टर बनना चाहता था ना? वो तो कोशिश चल रही है। फिर ये डबिंग की तरफ कैसे? वो एक स्क्रिप्ट डिस्कशन के लिए अजीत कुमार के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि तेरी आवाज तो इतनी अच्छी है तो तू डबिंग क्यों नहीं करता? अजीत कुमार ने ऐसा कहा? हाँ? नहीं, 2-3 नेशनल अवार्ड जीतने वाला बंदा ऐसी बेवकूफिया भी करता है क्या? मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है, फिलहाल मेरे घर वालों की दाल रोटी इसी से चल रही है। अब तुम्हारे टीम की पोजीशन क्या है? सेमीफाइनल तक पहुंच गया, अगला फाइनल है। फिर तो कब तुम्हारा ही है? मेरे जैसा महान कोच अगर अपनी टीम के साथ है तो जरूर कप जीत सकते हैं। वैसे शाम होते ही 2-4 कप सोडा थोड़ा बर्फ सब कुछ चटप रहता है। समझ गया, दो पेग लगाने की बात कर रहा है ना तू? एक्चुअली वही मैं बोलना चाहता था। अरे चलेगा चलेगा। हम जैसे लोगों को सिर्फ दो चीजों में दिलचस्पी रहती है, एक तो मध्य सेवन में, दूसरा मूतने में। चल दो लगाते हैं। वो मैं देख लूंगा। Cheers. एक बात बता, बास्केटबॉल प्लेयर होने की वजह से तुम किसी के साथ घुल मिल के रह सकते हो ना? अरे इसी में थोड़ा बहुत मजा मिलता है, नहीं तो सरकार की तरफ से हमें क्या मिलता है? लड़कियों लोगों की सेपरेट कोचिंग और उन लोगों की अलग से, ऐसा होता है क्या? अगर ये सब नहीं हो तो खुद को मर्द बुलाने का क्या फायदा? तुमको ये सब में इंटरेस्ट है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी वैसे फोन बज रहा है तुम्हारा। कौन है? ये बहुत बड़ी सरदर्द है यार। हाँ, अगर सरदर्द है तो फोन उठा के 2-4 गाली दे दे, अगर छुटना है तो अपने आप छुट जाएगी। कुछ नहीं होगा तो मुझे दे दे फोन, मैं बात करता हूँ उसे। नहीं नहीं मैं ही भेज देता हूँ। मैंने कितनी बार मना किया तुम मुझे फोन मत करो। ये तो शफी है। क्या हुआ? नहीं लड़के लोग पूछ रहे थे कि फाइनल मैच के लिए सर कोई नया प्लान बनाया है कि नहीं, इसलिए मैंने फोन किया। ज्यादा उड़ मत तू, अगर मैंने सिखाया हो या नहीं मेरी टीम जीत जाएगी, वो मेरा तरीका है समझे तो? अरे जानता हूँ भाई। अगर तुम्हें पता है तो बार बार फोन क्यों कर रहा है तू मुझे? मैं देखना चाहता था कि तू कहाँ पे है। मैं जहाँ पर भी हूँ वो मेरा टेंशन है, तू अपना काम देख चल भाग यहाँ से। इसकी तो
लगता है सरदर्द जल्दी नहीं छूटेगी। इसकी क्या प्रॉब्लम है? वो मुझसे शादी करना चाहती है। अरे चल यार, अगर ऐसे हम सभी लड़कियों से शादी करते रहे तो हम लोगों को और कोई काम ही नहीं बचा रहेगा। मेरे कुछ दोस्त भी हैं, लेकिन इसके साथ कुछ रिश्ते अलग से हो गए। बात घर तक पहुंचने का डर लगा तो मुझे लगा इसे छोड़ दूंगा। अच्छा किया। सॉरी, एक मिनट। कंट्रोलर शशि, मेरी वाइफ ने फोन किया था, खाना बना दिया है, चलो घर चलते हैं। वैसे इसमें कोई कंट्रोलर शशि बोल के किसने फोन किया तुझे? उसने फिर फोन किया क्या? उसने? हाँ। बीवी को बेवकूफ बनाने के लिए कंट्रोलर शशि करके सेव किया है ना तूने? बड़ा होशियार है। मैं भी अपनी बीवी को ऐसे बेवकूफ बनाता हूँ। मेरे फोन में ड्रिल मास्टर करके सेव किया है। चले। हाँ, सभी के परिवार यही है क्या? हाँ? हम तो ऐसे आपस में बात कर रहे हैं। किसी के बारे में खास बात हो रही थी क्या? किसी के बारे में एक बात कर रहे थे, कलेक्शन के बात कर रहे थे। एनुअल डे का फंक्शन है ना, कलेक्शन का इंचार्ज मेरा है। कलेक्शन के सारे पैसे इसी हुंडी में जा रहा है क्या? अच्छा, ये कौन है? अरे आप इनको नहीं जानती है क्या? नहीं। ये हमारे फैमिली फ्रेंड है। हेलो। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। नाम क्या है? सिंजो। हाँ जी, सिंजो। सिंजो, ये तो पेट्स का नाम होता है ना? जब मुझे ये नाम दिया तो मैं बच्चा ही था। हाँ। ये कौन है ये बच्चा? उसको ऐसे मत बोलना, इसी का बेटा है वो, नाम वरुण है। हाँ, आज ये क्यों चुपचाप बैठा हुआ है? अभी तक तो खेल रहा था, पाँव में चोट लग गई इसलिए चुपचाप बैठा है। ओके, अच्छा। ठीक है, आप लोग बात करते रहिए, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। एप्पल? अरे वो ओरिजिनल नहीं है, प्लास्टिक है। बैठिए, धोखा खा लिया ना? दीदी आप इनको नहीं जानते, बहुत बड़े बास्केटबॉल कोच है ये। हाँ, अभी मुझे याद आया ये कौन है, उस दिन टीवी में आए थे वही है ना? तो मुझे टीवी में तुम सब लोगों ने देख लिया है। अच्छा सुनिए ना, मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। अच्छा? 8 स्टैंडर्ड तक मैं बहुत अच्छा खेलती थी और उस वक्त मैं इससे भी ज्यादा मोटी थी। बास्केटबॉल की सानिया मिर्जा बोलते हैं सब लोग मुझे, जानते आप? उतना ही नहीं, जब मैं बॉल पकड़ के दौड़ती थी ना और जंप मार के बास्केट के अंदर डालती थी और उसे देखने के लिए गांव के सारे आजू बाजू लोग आके वहां पे बैठते थे और उसके बाद वहां पे सब लोग मेरे लिए ताली बजाते थे। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे डैडी ने कहा आज के बाद खेलना बंद। ऐसा क्यों मुझसे बोले आज तक मुझे पता नहीं। गांव वालों को और नहीं परेशान करना ऐसे डैडी ने सोचा होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन गांव वाले काम पे क्यों नहीं जाते थे? हाँ, वो छोड़ो। अच्छा ठीक है, आप लोग बात करते रहो, मैं आती। ये इस समय क्यों फोन कर रहा है? अरे भगवान, नहाने के बाद बहुत मजा आ रहा है। सॉरी अंजना, मैंने ये सब जानबूझ के, लगता है सब गलती से हो गया है। आजकल के जमाने में ईमानदारी से रहना भी मुश्किल हो गया है।
अरे वो अपना सिजू है ना, वो बोलता है यहीं खाना खाएगा। मैं क्या कर सकता था, वो आया इसलिए। मुझसे मत नाराज होना प्लीज प्लीज। सच में बोलूं तो आज मेरा बहुत मूड कर रहा है, मालूम है? पहले तुम उठो और जल्दी खाना लगाओ, पहले खाना परोसो नहीं तो हमारा काम नहीं होगा। जाओ, उनको भेज देंगे तो पूरी रात बैठ के मिडनाइट मसाला देखेंगे। जाओ। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वो शशि है, रात में फिल्म देखने के लिए बुला रहा, बहुत परेशान कर रहा है। हमेशा कहते हो परेशान करता है और अपने साथ ही रखते हो। हा? क्यों, ठीक बोली ना? देखा अंजना, तुम्हारे फ्रेंड के जोक सुनते सुनते टाइम कैसे बीता पता ही नहीं चला, ठीक था ना? वीना, कितनी देर से दूध गर्म है, जाके चल लो ना, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अच्छा, चादर बिछा दिया क्या? हाँ बिछा दिया हूँ। चलिए, पत्नी बुला रही है। आ? क्या है बोला? नहीं मैंने वैसे कौन है, सर्वेंट है? नहीं, मेरा हस्बैंड है। मैं उसका हस्बैंड हूँ, देखते ही समझ गया था। चलता दीदी। हाँ। चलो दूध ठंडा हो जाएगा, चलो बेटा। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे भी टाइम हो गया, मैं भी चलती हूँ। अच्छा, बाय, गुड नाइट। बाय अंजना, गुड नाइट। हाँ क्या हुआ, बहुत भूख लगी है क्या? बहुत भूख लगी है। अच्छा प्रेम कहाँ है, दिखा नहीं? आएगा आएगा वो। हाथ धोने के लिए? हाँ धोके आइए ना। ओके। अरे इससे पहले तुमने शुरू कर दिया, तू कहाँ था? मैं तो खा लिया, एक कॉल आ गया था इसी के लिए बात करते रह गया। आप बैठ के खाना खा के आओ। हेलो, वॉश बेसिन इधर है। अच्छा यहाँ पे। हाँ, ओके।
वैसे खाना बहुत स्वादिष्ट था, मैं कहे बिना नहीं रह सकता था। आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। शादी से पहले ना तुम्हारा पति कितना दुबला पतला था, बिल्कुल एक लकड़ी की तरह था। वो तो मैं भी जानती हूँ। अभी भी वैसा ही है। शादी का एल्बम देखोगे क्या? एल्बम है क्या? ठीक है फिर वो देखते हैं ना। मैं मजाक उड़ाऊंगा ये सोच कर ही इसने अभी तक मुझे एल्बम नहीं दिखाया। अरे ये तो हद पार कर रहा है। अरे ताजे केले आए हैं, खाओगे क्या? मैंने केला बहुत खाया, अब तू खा। मैं तेरा वेडिंग एल्बम जरा देख लेता हूँ। ये क्या बात है? तूने अभी तक खाना नहीं खाया, तो ठीक है मैं निकलता हूँ। अबे रुक जाना, मैं खाना खा के तुझे छोड़ दूंगा। यार वक्त बहुत हो गया है, अंजना छोड़ देगी मुझे। तुम आराम से बैठ के खाना खाओ, तुमने दारू भी पी रखी है जानते हो ना, मैं छोड़ के आती हूँ। ठीक है चले। ओके। अरे रोटी दो और खा लेना। अंजना आजकल की चपाती में ना गेहूं नहीं सिर्फ मैदा भरा हुआ है, मैदा। अच्छा अकेली ड्राइव कर लेती हो क्या तुम? अच्छी लगती है मुझे, बहुत अच्छी लगती है। तो चलो चलते हैं। ये तो रोज का काम हो गया है, रात होते ही घूमने निकलना। मुझे इस पर कुछ गलती दिखा रहा है ना? हमें ये सब ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, इसकी जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए। आइए। तुम बोलो। अरे तुम ही बोलो ना। बोलो। आप सबको क्या चाहिए? अरे बोलना। अच्छा एक बात बोलना था, बुरा मत मानना। आजकल गलती करना एक आदत सी बन गई है, कहां क्या हो रहा है किसी की कुछ भी नहीं पता चलता है। आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीवी को इस वक्त किसी और के साथ घूमने देना एक अच्छी बात नहीं है। आप जब यहाँ नहीं होते हैं तब भी वो आदमी यहाँ आता था। हाँ कौन है वो? जहाँ तक हमने पूछताछ की है वहाँ तक किसी के औरत के पास का संबंध अच्छी नहीं है। पर ये सच है झूठ है ये हम नहीं जानते। परिवार एक ताश की पत्तों से बना हुआ महल होता है, तेज हवा चलने से महल टूट सकता है, परिवार बिखर सकता है, आप ये सब जानते ही होंगे। क्यों मैंने ठीक कहा ना? हेलो चुप हो जाइए, मैं सब जानता हूँ, मेरी बीवी के बारे में तुम मत बताओ, पहले बाहर जाओ यहाँ से। चलो निकलो। हमारा काम हो गया। वहां तक किसी के औरत के पास का संबंध अच्छी नहीं है। पर ये सच है झूठ है ये हम नहीं जानते। परिवार बिखर सकता है आप ये सब जानते ही होंगे। क्यों मैंने ठीक कहा ना?
अरे देख ना, जरा मेरी बात तो सुन। MBS पढ़ना है तो कम से कम 50 लाख डोनेशन देना होगा। तुम्हारे पास है क्या? नहीं है ना? अगर हमारे इस धंधे में आना है तो 10 रुपए की ताकत की जरूरत नहीं है। मन में हिम्मत होनी चाहिए और शरीर में खूबसूरती होनी चाहिए। हाँ, मैंने जो कहना है तो कह दिया है, अब तेरी मर्जी। ए रुको रुको, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। जो मैंने कहा ले आयो क्या? तुमने जो कहा, बिंदी, नेल पॉलिश, फेस क्रीम, परफ्यूम, और तुम जो जो कहा हम लोग सब ले आए हैं। लेकिन हम लोग साड़ी लेना भूल गए ना? लेके आऊंगा ही कहा था ना। तुमने जो साड़ी कही थी उसकी कीमत 25,000 रुपए हम नहीं जानते थे ना। मैं अपनी बीवी और बेटी के लिए भी 25,000 की कोई भी ड्रेस नहीं लेके देता, पता है ना तुम्हें? मैं महंगी साड़ी पहनती हूँ और ये मेरी हॉबी है, जानते हो। देखो, हमसे अनजाने में गलती हो गई है, इसलिए तुम हमें सारी उम्र ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। बर्दाश्त की भी एक हद होती है, अगर वो हद पार की तो हार करोगे तो क्या करोगे। मैं तुम्हें इतना टेंशन नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूँ। पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? ब्लैकमेल कर। लेके आऊंगा ही कहा था ना। आजकल कई लड़कियां अपने बेडरूम के सीन को सीक्रेट कैमरा में शूट करके लाखों करोड़ों में कमा रही है। वो सभी हमारे मानसिक गुरु है। मेरा अगला टारगेट नेता ही है, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है। किसके साथ बातें कर रही है? कितनी देर हो गई है? अरे सुनो, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? मैं किसी से बात कर रही हूँ ना, अभी आ जाती हूँ। हाँ, फिर क्या हुआ? आप फोन रखो, मैं फिर कॉल करती हूँ। क्यों, डिस्कशन खत्म हो गई क्या? नहीं, भूख लगी करके चिल्ला रहे थे ना। पहले तो तुम खुद लेके खा लेते थे, आजकल क्यों जिद कर रहे हो? खाना खिलाने के टाइम पे किसी और से बात करना जरूरी है क्या? कौन है वो? आपका दोस्त सिंजो है। ओह, उससे बात करना जरूरी है क्या? ओह, मुझे तो ऐसा ही आदमी पसंद है। फोन करेगी कहकर अभी तक उसने फोन नहीं किया। शिट। अगर मैं उसे फोन करूँ तो? अरे अगर मैं उसे बात नहीं करूंगा तो मेरा ये टेंशन कम नहीं होगा। ये इंतजार की हद कैसे बताऊं तुम्हें मैं। ओह, लगता है सिंजो का कॉल है। आधी रात हो गई है, उससे बात करने के लिए इतनी रात गिर क्या है? उससे बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, अब समझ में आया। क्यों, मेरी परीक्षा ले रही हो? आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? आप भी तो आधी रात तक कई लोगों से बात करते रहते हो। आप उनके साथ क्या बात करते हो, मैंने कभी आपसे पूछा है क्या? तो फिर आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? कुछ गलत है क्या? नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा, यही मेरी गलती थी। फोन ही नहीं उठा रही है तो यार। भाई मेरी बात सुन, ये सब बहुत ही गलत है। अब तक मुझको लगता था कि वो एक अच्छी परिवार की लड़की है। मुझे कुछ बात करनी है जो मैं सिर्फ उसी से कह सकता हूँ। अगर मैं ये नहीं कहूँगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। वो तुझे एक अच्छा दोस्त जैसे समझती है, मेरी बात मान, ये सब भूल जा। अरे जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो खट्टे लगते हैं, मिलते हैं तो मीठे लगते हैं। उसी तरह ये बात भी है, तेरी समझ में नहीं आने वाला ये सब।
मुझे बेवकूफ मत बनाओ तुम, मैं इतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बनूंगा। तुम तो नहीं बनोगे, मुझे अच्छी तरह से बना रहे हो। कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ, मुंह में कुछ है मन में कुछ है। यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती थी। टेंशन ले और टेंशन ले, टेंशन नहीं लेगा और टेंशन करूंगी। हाँ हेलो सिंजो, बोलो यार। सिंजो साला कमीना कहीं का। ओह कंग्रेट्स, मैं तुम्हारे लिए दिल से भगवान के पास दुआ मांगती रहूंगी। मैं थोड़ी बिजी थी इसीलिए पहले तरह फोन नहीं उठा पा रही थी। हाँ तुम्हारा मैच देखने जरूर मैं आऊंगी। आए बिना रह सकती हूँ क्या? न जाने ऐसा क्या चुटकुला सुना दिया, जॉनी लीवर का भाई है क्या? ये 1 तारीख की सुबह को मैं अपने घर वापस चले जाऊंगा, फिर हम कब मिल सकेंगे? ये कोई बड़ी परेशानी है क्या? आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक है ना। एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? पूछो, मैं क्यों गलत समझूंगी? बोल दो क्या? मैं कल वहां पर आऊं क्या? घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जो सिर्फ तुमसे ही कह सकता हूँ, इसलिए जब घर पे कोई ना हो तो। अच्छा आज के बाद अगर तुम मुझे घर पे भी नहीं बुलाओगी, तुम लोग अगर मुझसे किसी भी तरह की दोस्ती भी ना रखोगी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर जाने के 1 दिन पहले यानी 31 की रात को मैं तुम्हारे घर आऊंगा, ये बात तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो हेलो, तुमने सुना मैंने जो कहा तुमसे? हाँ मैंने सब सुन लिया था। ठीक है, तब तो मेरे आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? परेशानी? मुझे क्या परेशानी है, तुम जब चाहो तुम्हारी मर्जी, जब आ जाना। ओके, तब तो इंतजार करना। जरूर, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी। हेलो, तो फिर लगता है उसको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई, इसीलिए लगता है फोन काट दिया। तू देखते रहना, 31 की रात को मैं सागर मंथन करके ही रहूंगा बेटे। आखिर में एक अच्छे परिवार का सत्यानाश कर दिया। तेरा बनाया हुआ खाना मैं नहीं खाऊंगा, उसी को जाके दे दे। पति को खाना खिलाने के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना? फोन पे कितनी रोमांटिक बातें कर रही थी, उसके साथ जाके सो जाओ ना। शराब पी के जो मुंह में आए वो मत बोलो। तेरी जरूरत क्या है, मैं जान गया हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। देखो इधर, कुछ दिन से मैं भी देख रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं वो तुम्हें अभी नहीं बोल सकती। ए, नहीं बता सकती, इसका मतलब अकेली जियोगी क्या? वो सब यहाँ नहीं चलेगा। वही मैं भी कह रही हूँ। क्या हुआ? कंट्रोलर शशि है क्या? क्यों उससे बात नहीं करोगे? मेरा जब मन करेगा तब बात करूंगा। बातचीत तक क्यों रुके हो, उसके साथ जाके जी लो ना। क्या देख रहे हो, तुम्हारी सब रामलीला मैं देख रही हूँ। कंट्रोलर शशि शशि, ये शशि जो है एक लड़की है, लेकिन तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं, वो मेरी बहन के जैसा है। अपनी सगी बहन को देखने के लिए तुम्हारे पास टाइम तो नहीं है, लेकिन शहर के आने जाने लड़की को अपनी बहन बना के घूमते फिरते हो। स्टार्ट हो गई है, तुम मर्दों के लिए ये आदत सी बन गई है, तुम में कोई भी शर्म नहीं है क्या? ये तो शुरू हो गई। ऐसे अपने मन में एक औरत को रख के मेरे साथ झूठा रिश्ता निभाते हुए मेरे अरमानों को कुचलते रहे, मैंने आज तक तुम्हारे जैसे बेवफा आदमी को नहीं देखा। ये आजकल के जमाने में कॉमन चीज है, शहर में रहने वाले हर एक आदमी के पास ऐसी छोटी बहन है, मालूम है? तो इस शहर में रहने वाली हर औरत के लिए ऐसा भाई भी रहेगा?
वैसे जाने वाली हर औरत को शहर में दूसरे नाम से बुलाते हैं। बुलाने दो, तुम्हारे बीवी को ऐसे नाम से बुलाते होंगे तो कोई गलत नहीं होगा। अरे ये क्या कह रही हो, शहर में जाने वाले हर आदमी को बुला के घर पे बैठाओगी? उतना ही नहीं, चाहे तो उसके साथ सो के उठूंगी। ये सब पूछने के लिए तुम्हारे पास औकात क्या है? तुमने अभी जो कहा है ना, ये पूरे शहर के आदमी को कहूंगी मैं। क्या बोली तू? अगर इन ख्यालों के साथ तुम अगर जीना चाहती हो तो किसी को भी शक नहीं होगा, तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अरे क्या हुआ, किस लिए हंस रहे हो? क्या इतने दिन बाद एक काम मिला था, वो काम भी ऐसा काम निकला है। भगवान, जिंदगी में तो मैंने कभी एक मच्छर भी नहीं मारा, एक इंसान का कत्ल कैसे करूंगा? इतना भी नहीं, उसे मारकर खुदकुशी साबित करनी है। अरे 5 लाख रुपए के लालच में आकर मैंने इस काम के लिए हाँ कैसे कर दिया मेरे भाई, तू बता मेरे को। ये तो मामूली बात है ना। सीधी तरीके से समझा यार। अरे ये तो छोटी सी बात है यार। ओ ऐसा कह रहा है तू? अरे तू बाहर का आदमी है, तुझे ये बहुत साधारण लगेगा। अगर कहीं गलती हो गई ना, उसके बाद तो मेरी जिंदगी खत्म। इसीलिए तो नेता लोग हैं हमारे देश में। अरे क्या बात कर रहा है तू, इतनी जल्दी तू हमारे गांव के बारे में जान गया? बड़ा आदमी है तू। ऐसी चिकनी चमेली लड़की को देखने के बाद तो मुझे मारने का मन ही नहीं कर रहा है। मुझे उससे माफी मांगनी होगी। क्या मजाक कर रहे हो, उसके लिए मुझे दोबारा जन्म लेना होगा, समझ गए ना? इसके बावजूद अगर तुम लोग फिर से आके मुझसे बात किए ना, तो दोनों आंखें निकाल लूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो भागो यहां से। देख मेरी बात सुनो, तुम ये सब मत करो। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो। ये चाकू हाथ से नीचे फेंको। तुम्हें नहीं मालूम तुम क्यों आ रही हो मेरे पास? प्लीज। अरे कितना अच्छा सीन जा रहा था, ऑफ क्यों कर दिया तूने टीवी को? उस मंजू ने अब तक उसको मार दिया होगा, पता है तुम्हें? मैं उस आवाज को सुनती हूँ तो मेरे शरीर में आग लग जाती है। आजकल तुम भी सीरियल देखती हो क्या? मैं कभी नहीं। हेलो हाँ ठीक है हाँ मैं अब भी आ रही हूँ वहाँ पे। हाँ देखो तुम दोनों बातें करते रहो, मैं अब भी आती हूँ। लाओ 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 एक पीस तो दे दो, तुम दोनों बातें करते रहो। डार्लिंग अब कैसे लग रही है बताओ? अच्छा लग रही हूँ। ये स्टाइल सब आपने कैसा सीखा? सीखा? अरे वो कल मैंने टीवी में देखा था, उसे देख लिया और सीख लिया। तुम पति फना मेरी किस्मत थी। मेरी भी किस्मत थी। पापा मैं जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स सब आए हैं। पूरी फौज आ रखी है,
इस फ्लैट में दूसरों को परेशान मत करना, ठीक है? वरुण, खेलना सब ठीक है, लेकिन कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। किसी को भी परेशान नहीं करना, ठीक है? आ जाके खेलो, आ जाओ, जाओ खेलो। बच्चे कितने शांति से जा रहे हैं। कहाँ? ये कहाँ शांत रहने वाले हैं? चलो हम चलते हैं, फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। सुनिए, आपने इस बार भी प्रोग्राम करने के लिए लग गए क्या? जरूर। पिछले साल पर किया था, वो इस बार मत करो। सुबह तक तो मैं इंतजार नहीं कर सकूंगी। आज रात 12 बजे तक सेटलमेंट करना पहले ही कह देती हूँ। कविता, जितना लेट होगा हमारा प्लान पूरा बर्बाद होगा। सुबह के फ्लैट में हम दोनों को दुबई जाना है। दुबई? हे मेरी माता रानी, उस गोल्ड ज्वेलरी वाले को किसी तरह से भी मेरे अपने जाल में फंसाना है। किसी तरह से मैं उसकी रिकॉर्डिंग करने में कामयाब हो जाती हूँ तो मैं 50 ग्राम का नेकलेस तुम्हारी शूट में करेंगे तो ब्लैकमेल कब करेंगे हम? हमें बेडरूम का सीन शूट करके वापस इंडिया आकर 4-5 महीने शांत रहना है। फिर उसके बाद उसे मेरी इज्जत लूट के पुलिस स्टेशन में छोटी कंप्लेन देनी होगी। उसके बाद 1-10 लाख मांग सकते हैं ना? क्या बोल रही है, 10 लाख? 1-2 करोड़ से ही आजकल बोली लगनी शुरू होती है। तुमको थोड़ी भी समझ नहीं है क्या? कमाल है। उसके बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तो मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसी शांत स्वभाव की बीवी मुझे मिलेगी, न जाने मैंने कौन सी पुण्य की थी। मैंने उसे इसी हाथ में बैठा के रखा है। क्यों? इतना ही नहीं, हम दोनों के जो ख्यालात हैं, मैं सोचता हूँ वो जुबानी बताती है। ये है मेरी वाइफ। प्रेम, आवाज में थोड़ी दर्द दो। ओह, हे बापरे, तुम्हारी डायलॉग सुन के मुझे उल्टी आ रही है। अरे ये प्रेम को क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, ये डायलॉग बोलने शुरू किया तो मुझे बहुत नींद आ रही है। सर, ये डायलॉग राइटर कौन है? नया आदमी है, नाम है पनीर सेल्वम। अरे वो कौन है? अरे हमारे फिल्म इंडस्ट्री उसको जानता है, तुम नहीं जानते हो क्या? वो डायलॉग राइटर मैं ही हूँ। अभी शादी नहीं हुई है क्या? नहीं, अब तक बैचलर हूँ। तभी ऐसे डायलॉग लिख रहे हो। अरे शादी हो गई तो और बढ़िया लिखूंगा। शादी होने दो, लिखना ही भूल जाओगे। मजाक मत करो यार, जाओ जल्दी, हमेशा मजाक ही करते रहता है। हाँ चलो जल्दी करो। प्रेम ऐसा कैरेक्टर है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। वो ऐसा कैरेक्टर है, अब तो समझ में आ गया ना, जो करना है वो कर दिया, अब मेरा खून करने के लिए आ गया। तुम फिर भी अपना ख्याल रखना, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। ऐसे आदमी कुछ भी कर सकते हैं, अपना ख्याल रखो। मुझे मार सकेगा क्या वो? उससे पहले मैं उसे मार दूंगी। ऐसा सब कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कहीं तुम्हें छोड़ के ना चल जाए, वही तुम्हारी टेंशन है। हे भगवान, मैं ये कैसे बताऊं? एक एक मेंबर के घर के जाके मुझे उनको बुलाना पड़ रहा है। इस प्रोग्राम के खिलाफ बोलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, पता है? अरे तुम कब तक बैठे रहोगे? मेरे साथ चलो। हाँ चलो। दीदी मैं थोड़ी देर ही रहूंगी, फिर चली जाऊं। क्यों, इतनी इमरजेंसी क्या है? प्रोग्राम खत्म होने के बाद बहुत बढ़िया डिनर है, खाके जाओ ना। नहीं मुझे जरूरी काम है। चलो फिर तुम्हारी मर्जी। प्रोग्राम शुरू हो गया क्या? वो तो कब का शुरू हो गया है, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट चिक्केन जी है ना? सिकंदर जी। हाँ हाँ, कोई भी जी, उसका स्टार्ट हो गया स्पीच। चलो चलो चलते हैं, चलो। चलो। इसके आगे मैं बात करके तुमसे गालियां खाने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे मेंबर्स यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन में परफॉर्म करने के लिए तैयार है। पर भी 2-3 बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। संध्या, ये बच्चा मेरे बेटे का नहीं है, ये जरूर इसके पुराने आशिक का बेटा ही होगा। पिताजी आप ये बातें सब सुन रहे हैं ना? सुन रही है ना? सर लगता है किसी के रियल लाइफ स्टोरी उठा के बनाया हुआ है ये फिल्म। ये सीन तो किसी की जिंदगी का आईना है। रेडी टेक सर। ये एक सास है या एक औरत है? क्या ये कैके जैसे सास के चंगुल से अपने आप को बचा सकेगी? अम्मू के कोख में पलता हुआ बच्चा, वो शरद का ही बच्चा है, क्या अम्मू उसको निभा सकती है? हाँ, दुनिया से सच्चाई को कभी हम छुपा नहीं सकते हैं, वो सच कभी ना कभी दुनिया के सामने जरूर आएगा। देखना मत भूलिए, सोमवार से शुक्रवार 7:30 बजे। बहू तुम कहाँ चली गई, कहाँ चली गई? प्रेम,
इसी तरह आपका आवाज में दर्द चाहिए। दर्द से नहीं बोल रहा हूँ सर, दिल में होने वाली दर्द से बोल रहा हूँ। या ठीक है, तुम वहां आ गए हो क्या? चला गया। ए, ए, बाहर के आदमी। अरे भाई इधर हो, इधर जरा इधर देखो। कितने देर से कंट्रोल कर रखा है मैंने तुम्हें, क्या पता अभी आराम मिल रहा है मुझे। तू रियल में सुसुई कर रहा है क्या? डाउट है तो आके देख लो। मुझे तुम पे कोई शक नहीं है, मैं जाके ये फ्लैट पूरा चेक करके आता हूँ। इसमें चेक करने की क्या बात है, हम सीधा अंदर चले जाते हैं। अबे कुछ बड़ी गलती हो गई ना, तू तो अपने गाँव चला जाएगा और मुझे ना अंदर जाना होगा। इन सब के लिए कोई डरता है क्या? चुप, मुंह बंद कर। ऐसे हम मुंह नहीं बंद करेंगे। देख ये कैसे मैंने जुगाड़ा, ये ऊपर वाले को भी नहीं पता। अच्छी तरह से जो हम तुमको दे रहे हैं लेके चले जाओ, वो तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम्हारे फ्रेंड के लिए भी बेहतर है। नहीं तो तुम क्या करोगे? इसके लिए हम कुछ भी करेंगे, ठीक बोला ना? बहुत अच्छा, तुम्हें कैसे डील करना है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं ठीक बोली ना? हाँ। मेरे हाथ में जो सीडी है मैं तुम्हारे बीबी बच्चों को दिखाऊं क्या? हेलो अंकल रुकिए ना, आप ऐसे बच नहीं सकते हैं। तुम सबने मिलके मिला बलात्कार किया, एक फोन कर दूं बस अगले मिनट पुलिस यहाँ पे आ जाएगी। ये तो लेडी पुलिस है। हे भगवान, ये तो वही लगती हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? हे भगवान, उसने जैसा कहा वैसे ही हमें पुलिस में फंसा दिया, अब हम क्या करें? पता नहीं क्या मुसीबत आने वाली है। ओह, अब हम पूरी तरह से यहाँ फंस चुके हैं। अगला प्रोग्राम फाइसी। पिछले बार के जैसे खाना कुछ इतना खास नहीं था। अरे अरे देख के देख के, किसी ने भी नहीं देखा और उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, घर का दरवाजा बंद कर दिया। हमारी खूबसूरत हीरोइन का रेप करने के लिए उसको फॉलो करके वो उसके घर तक चुपचाप पहुंच गया।
ये किसका फ्लैट है? लेकिन जब उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उस घर के अंदर कोई भी नहीं था। मगर उसी वक्त वहां खांसने की आवाज आई। वो आवाज कहां से सुनाई दी? उसे ढूंढने के लिए वो गया। वो कौन था? वो अकेले में एक सुख देखने का बंदा था। वो मखाने में मकान बनाता था। ए, पानी ठीक है? और क्या पानी? हेलो, दो लार्ज पीने के लिए आया था मैं, अभी आता हूँ मैं। ओके, आता हूँ। बुरी तरह से फंस गया है वो, उसे तब पता चला। अगला प्रोग्राम, गली के कुत्ते अगर मारे गए तो वो कैसे चिल्लाएगा देखेंगे। तुम्हारा बेटा तो कमाल है, बिल्कुल तुम जैसे चिल्ला रहा है। हाँ, अगर इसके बाद मैं यहाँ पे आई तो मेरे सारे प्रोग्राम मिस हो जाएंगे। रुक जाना, खाना खा के जाओ। नहीं चाहिए, प्लीज, मुझे बहुत अर्जेंट है, बहुत प्रोग्राम है मेरे। हाँ ठीक है, और फिर अपनी प्रॉब्लम सब सॉल्व करके खुश रहने की कोशिश कर। बाय बाय। अच्छा, ऐसा फैसला लेने का कारण क्या है? पहले मैंने जो आपको बताया था उसका यही कारण है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैंने ये काम उनको दिया था। फॉलो मी, वो यहीं कहीं होगा। ये है क्या? अरे ये नहीं, ये नहीं, यहीं कहीं होगा, यहीं कहीं होगा। जरूर यही है, यही है, यही है। अबे हाँ, अबे हाथ किसने मांगा? फोटो दे। ये नहीं है। सबको धन्यवाद, बहुत बढ़िया बेटा। ओके थैंक्स एवरीबॉडी, अगला प्रोग्राम एक रंगीन डांस है। ये भी नहीं है। ये यहाँ कैसे आ गई? ये मेरी आंटी। हाँ हाँ, आंटी के कहने पर हूँ मैं इतनी दूर ट्रैवल करके आई हूँ। क्यों, ये मैं नहीं जानती क्या? चलो चलो जल्दी प्रोग्राम देखते हैं। चलो। कहाँ जाना है, कैसे पकड़ेंगे? ऊपर देखे क्या? नीचे ढूंढेंगे तो कैसा लगेगा? ऊपर भाई, ऊपर। ए
कहाँ जाके मर गई? भैया भैया ये खून, ए खून मत कह भी परदेसी। ये खून कैसे प्लान किया आपने, जरा मुझे भी बताइए। बताता हूँ, इस लोकेशन को रख के देखते हुए प्रोग्राम वाली जगह पर या फ्लैट वाली जगह पर कत्ल करना रिस्क है। हाँ। इसीलिए उसको यहाँ पे किसी तरह बुलाना होगा। कैसे? बताता हूँ। देख वहाँ देख, दो आंटियां तेरे को दिख रही है ना? हाँ देखा। वो तो तू परफेक्ट दिखेगा। मैंने देखा ना। हमको जिसको कत्ल करना है हमें वहीं पे खड़ा करना है। उसके बाद? वहाँ खड़े करने के बाद हम पीछे जाएंगे, उनका पैर पकड़ेंगे और नीचे गिरा देंगे। बात खत्म। भाई क्या आइडिया है आपका। उसके बाद हम बिरयानी खाएंगे, पैसा लेंगे, घर जाएंगे और चुपचाप सो जाएंगे। हाँ समझ गया। अरे सिंजो, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यार तू भी, मैं यहाँ। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। ये इस पल के लिए मैंने कितना त्याग दिया है तुम्हें पता है? जरा इधर आना। उफ, इसकी भी जब ये भी फोन कर रही है। हेलो। हेलो जी, मुझे पेन स्टार्ट हो रही है, आप किधर हैं? तेरे जैसी ही हालत में मैं भी हूँ। सुनो आप जल्दी आ जाओ, मुझे आपको अभी देखना है। ऐसा मत कहो मेरी जान। जल्दी आ जाना। तुझे कुछ नहीं होगा, मुझे भी कुछ ना हो ऐसा तुम प्रार्थना करना जरा, ताकि मैं तुम्हारे पास फटाफट आ सकूं, तुम्हें देख सकूं। अच्छा आराम से रहो, मैं दुआ करता हूँ। ओके। ओके ठीक है। अब और हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, 12 बजे तक ये काम हमें पूरा करना होगा। भाई मेरे हाथ पैर सब हिल रहे हैं। अबे ओए, तूने मुझे हिम्मत देनी है, अगर तू हार जाएगा तो मैं क्या करूंगा? ठीक है भाई। तुम एक काम करो, ठीक बिल्कुल 12 बजे मतलब समझ गया ना? समझ गया। 10, 11, 12। हाँ 12। 12 बजे। हाँ समझा। समझ गया ना। 12 बजे फ्यूज निकाल देना इस फ्लैट का। फ्यूज क्या है तुम नहीं जानते क्या? नहीं भाई, वो कहाँ पे होगा पता नहीं ना। अरे वो वहाँ कहीं होगा, उसी को निकालना है। जा जल्दी जा, उसके निकाल देना, मुझे गुस्सा मत दिला, जल्दी जा। जाओ। कुछ भी हो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई हस्बैंड ऐसा हो तो। जानता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आदमियों को सड़क में खड़ा कर पेट्रोल डाल के जलाना की यही है मेरा उद्देश्य। ये तुम्हारा अपना निर्णय है ना? हाँ जरूर। पता नहीं क्या क्या आता आजकल टीवी पे। हमारे शहर में लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को, क्यों बुजुर्ग औरतों तक को यौन शोषण करने वाले राक्षस बहुत जिंदा है। वो सब खुदा के बच्चे नहीं कहलाते हैं, वो सब शैतान की औलाद ही कहलाते हैं, वो सब शैतान के बच्चे ही हैं। Thank you.
हेलो हेलो शफी। हाँ बोल। तू अभी कहाँ है? मैं बार में हूँ। अरे मुझे तेरी जरूरत है। क्यों भाई, क्या हुआ, कोई परेशानी? तुम्हें जरा फ्लैट पे आना होगा जल्दी। किसके फ्लैट पे? अंजना के फ्लैट पे। हाँ। हाईवे के पास। हाँ वही, मुझे बचा ले प्लीज। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हुआ, यहाँ से खुदकुशी करने का सोच रहे क्या? आखिर तुम्हारी वजह से वही करने वाला हूँ। मेरा पैसा पूरा दे दो, उसके बाद भले तुम मर जाओ, मेरा क्या प्रॉब्लम। ठीक है, पैसे कहाँ हैं? कैश में दे देता हूँ, इस बैग में है। लाओ दो ना फिर, टाइम हो रहा है, मेरी फ्रेंड भी वहाँ इंतजार कर रही है कार में। थोड़ी देर इंतजार करो, डेविड भी आता ही होगा। डेविड आते ही हम दे देंगे। एक काम करते हैं, डेविड को हम खुद जाके बुलाते हैं, हम तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, है ना? जो तुम कहा ठीक है। हाँ। फिर जल्दी उसे बुला के लाओ ना। देखो यहीं खड़े रहना। हाँ यहीं रहो, हम फट जाकर जल्दी आ जाऊंगा। हमें बेवकूफ बनाया, ये मेरी लिखी हुई कविता है। ये क्या है मैं नहीं जानता हूं, ये कब हुआ ये मैं ये भी नहीं जानता हूं, एक पागल की तरह घूम रहा हूं मैं, यहां पागलों की तरह घूम रहे हैं हम सब। जिंदगी 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 खेल नहीं है मेरे बच्चों। इसके संगीत से तो पूरा नशा ही उतर गया। चलो चलते हैं, क्या फायदा। हाँ बस 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 बस, गाड़ी रोक। ओह हाँ, मुझे लगता है यही फ्लैट है। ए भाई। हाँ। मैं जाकर उसको लेके आता हूँ, तब तक तू यहाँ पे रहना, ओके? हाँ, हाँ। ओह हे भगवान, वो कौन सी हालत में है किसको पता। अरे बाप रे, यहाँ पे तो सिक्योरिटी भी है। यहाँ पे इतना लाइट क्यों है भाई, क्रिसमस मना रहे हैं क्या? सिक्योरिटी बनने के लिए इसके पास सारी क्वालिफिकेशन है, इसका ड्यूटी बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहा है। मेरा दोस्त कौन से हालत में है किसको पता, हे भगवान। ओ हेलो, ऐसा धोखा देना नहीं चाहिए था तुम्हें। सॉरी सिंजो, मैं फोन लेना भूल गई थी। ठीक है, तुम कहाँ पर हो अभी? वैसे तो मैं तुम्हारे बिल्कुल पास में हूँ। मेरे पास? कहाँ हो तुम बताओ ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा, बात क्या है बताओ ना। तुमसे ही तो कहा था ना मैंने, आज रात को सबसे नजर बचा के मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और अब तुम ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। क्या यार, मैंने उस दिन तुम्हें कहा था कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, सिर्फ तुमसे करनी है वो बात, और तुमने कहा कि ठीक है आ जाओ। इतनी गंभीरता से जब मैंने बात की तो तुमने कहा सब ठीक है बेफिक्र आ जाओ, अब जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं ऐसे दिखा रही हो। हेलो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नजदीकी दोस्ती की, यह सच है। अगर तुमने उसका गलत मतलब लिया तो आई एम सॉरी, रियली सॉरी। तुम इस नजर से मुझे नहीं देख सकते, प्लीज
मैं अपनी दोस्ती को यहीं पर खत्म करती हूँ। हेलो, ऐसे कैसे? इतनी मेहनत करके यहाँ पर आया हूँ, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा मैं। हेलो हेलो, ये मेरा घर है ना? मैं तेरे को बोला था ना यहाँ पे नहीं आने के लिए, मेरी बात नहीं सुनी तू? देख क्या हुआ, चलो निकलते हैं। हेलो, क्या हुआ कविता, कैश मिल गया? जल्दी आओ, लेट मत करो। ओके ओके। भाई काम खत्म कर दिया क्या? सुपर यार। तो कविता है ना? Really great. Shambhu Mahadeva. क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। इतना मैंने सोचा भी नहीं था, तुमने कहानी सुना के हिला ही दिया। जी हाँ, जैसे तुमने कहानी सुनाई मुझे लगा कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। गुड, तुम चाहो तो एक्टर भी बन सकते हो। उसकी भी कोशिश कर रहा हूँ सर। लेकिन इसका क्लाइमेक्स थोड़ा और सीरियस कर सकते हैं। अरे सर, ये क्लाइमेक्स नहीं है, और भी है स्टोरी में, यही है असली क्लाइमेक्स। हाँ, और एक खून भी हो रहा है क्या? आवाज मत निकाल, आवाज मत निकाल, लोग आ जाएंगे, आवाज मत निकाल। कोई और रास्ता नहीं है, यही काम है मेरा। मैं तो मास्क भी लगाना भूल गया, इसने मुझे देख लिया होगा। चिल्ला मत, आवाज मत निकाल।
तब अंजना ठीक है, उसकी आयु लंबी थी इसीलिए जिंदा है। बाकी सबकी क्या हालत है अभी? इनके बारे में, यही तो सबसे बड़े विलेन है। इनकी पूरी कथा इसकी वाइफ को पता चल गई, उन्होंने अगली फ्लाइट के टिकट बेच के दुबई बुला लिया। अब बाकी की जिंदगी उनकी दुबई में ही कटेगी। उसके बाद ये महाशय शहर में जितना भी रासलीला करना था कर लिए, बाकी की जिंदगी आके खेतों में बिताओ। आकर आजकल खेती करते हैं ये जो है ना, बीच में जो योगा सिखाते थे वो बंद करके अब घर में ही सिखाने लगे योगा। लेकिन इनको पेट भी तो कम करना है ना, क्लास भी हो जाएगी और इच्छा भी पूरा हो जाएगा, यही है उनका काम। तो फिर उनकी जिंदगी पूरी तरह सेटल हो गई, लेकिन प्रेम का कंडीशन? उस फ्लैट में ऐसा संभावना होने के बाद प्रेम ने भी एक सबक सीख लिया। बाकियों की जिंदगी की परेशानी का वजह भी प्रेम ने भी सीख लिया, लेकिन उसका कारण जानने से पहले ही सो परेशानी दूर हो जाएगी। और इसी से मैंने एक फैसला ले लिया है, कंट्रोल शशि डिलीटेड। बाहर होटल में जाकर बासी बिरयानी खाने से बेहतर है कि घर की मुर्गी के अंडा दिया हुआ ही बना के खा लो, वो सेहत के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, तब तो छोटा सा मैसेज भी हो गया है ना? छोटा सा संदेश? ये गलत तालुकात रखने वालों के लिए बड़ा सा संदेश है। अच्छा, वैसे एक आदमी के बारे में भूल ही गया। भूले नहीं है, वो बास्केटबॉल के कोच ना। उसने अभी सभी सीक्रेट सर्विसेज बंद कर दी है। तो फिर अब वो एक सोशल मीडिया ग्रुप को फॉर्म करके गांव वाले पुलिस वाले के सपोर्ट से मिलके वो एकदम धूम मचा रहा है आजकल। वो कैसे धूम मचा रहा है? चुंबन देना एक बीमारी नहीं है, चुंबन देना सेक्स भी नहीं है, चुंबन एक संस्कृति है, हमारे प्रेम की भाषा है। एक आदमी और एक औरत कहीं भी खड़े होके एक दूसरे को चुंबन दे सकते हैं, यही है चुंबन देने का स्वतंत्र। हमारे देश के हर नागरिक का ये जन सिद्ध अधिकार है। इसके खिलाफ जो भी बोलेगा वो देश का दुश्मन है और मैं सरेआम इसकी निंदा करता हूँ। और इसीलिए चुंबन देने के आंदोलन को मैं एक चुंबन दे के उद्घाटन करता हूँ। चलो चुंबन देते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तू भी आ, अरे आ जाना, अरे तू भी आ, और कोई है? अरे पुलिस, अरे पुलिस, अरे भाग। बढ़िया, एक छोटी सी फिल्म बनाने के लिए सारी चीजें हैं इसमें, एक अच्छा क्लाइमेक्स भी है। अभी बाकी हमारे माननीय दर्शकों के ऊपर है ना जी। हाँ,